हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो इस टाइम पे हम लोग ने गन्ने खा रहा था और गन्ने छिलके खाना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। ऐसे तो जब बाहर जाते हो गन्ने का जूस तो खाते हो, बट छिलके खाना ना अभी नहीं होता है। और भी हाँ, देखिए मेरा मम्मी के जैसा बिंदी और चश्मा लगाया है। घर के पास में मांकी आया है, तो मेरा घर का जो डॉग है ना वो बहुत ज़्यादा शोर कर रहा था, और मांकी देख के डॉग ऐसे ही करते हैं। तो इसके बाद ना हम लोग खाना खा के स्टेशन आ चुका है, और एक ही स्टॉपिज है, तो हम लोग जा रहे हैं पूजा देखने के लिए। बहुत ही बड़ा बड़ा काली पूजा होता है। नोएडा स्टेशन के पास में ना बहुत सारा पूजा होता है, तो पास में जो पूजा होता है वही हम लोग देखेंगे, क्योंकि बिहान को लेके ना दूर तक जाना पॉसिबल नहीं होता है। इधर में बहुत बड़ा मेला लगा हुआ था और बहुत सारा झूला भी था। ये पंडल जो है ना, ये जूट का जो प्लांट होता है उस प्लांट से बनाया है, तो हम लोग ना इसको पाटकाठी बोलता है। उसका जो पूरा जो नक्शा होता है ना, पूरा पाटकाठी का बना हुआ है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। माँ काली का जो मूर्ति है ना, बहुत ही बड़ा बड़ा होता है। एक्चुअली नोयाडा के एक साइड में ना पंडल जो होता है बहुत बड़ा होता है, और एक साइड में मूर्ति जो है वो बहुत बड़ा होता है। तो हम लोग जो पंडल वो देख के आ चुका है, और इधर ना जो सब माँ काली का मूर्ति रहेगा वो सब बड़ा बड़ा होगा, और पंडल जो है उतना बड़ा नहीं होता है, क्योंकि रोड के बीच में होता है और उतना जगह भी नहीं है। नोएडा का सबसे फेमस बड़ो माँ काली, तो बड़ो माँ बोल के सब लोग जानते हैं। अभी आप लोगों को बड़ो माँ को दर्शन करा रहे हो, और बड़ो माँ का जो ज्वेलरी है ना, सब गोल्ड और सिल्वर का ज्वेलरी है।
बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है और बहुत सारा सिक्योरिटी भी रहता है। और इस रोड पे ना एक पूजा ख़त्म होता है, दूसरा पूजा स्टार्ट होता है। डिस्टेंस बहुत ही कम है, 1 मिनट का भी डिस्टेंस नहीं है और बहुत सारा पूजा है। तो हम लोग ना स्टेशन के पास में जो पूजा था ना वही सब देख के फिर घर आ चुका था। आप लोग कमेंट करके बताना आप लोगों को कैसा लगा है नोयाटी का पूजा और बड़ो माँ कैसे लगा है, आप लोग ज़रूर बताना।